टाटा ग्रुप की कंपनियां आजकल फुल फोकस में हैं। टाटा ग्रुप की टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ ने तो बाजार में धमाल मचाया ही हुआ है। इसके बाद टाटा की कंपनी और देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टीसीएस ने 17,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक पर बड़ा अपडेट जारी किया है। असल में कंपनी ने शेयर बायबैक की तारीख को फिक्स कर दिया है। इस खबर के आने के बाद टीसीएस का शेयर 1% की तेजी के साथ 3,497.35 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब किस दिन शेयर बायबैक ओपन होगा और किस तारीख को बंद होगा, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारे ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। असल में 11 अक्टूबर को टीसीएस के सितंबर तिमाही के नतीजे आए थे, इसी दिन शेयर बायबैक का खुलासा हुआ था। अब टीसीएस ने शेयर बायबैक की तारीख का ऐलान कर दिया है। 1 दिसंबर को 17,000 करोड़ रुपए का शेयर बायबैक ओपन होगा और 7 दिसंबर को बंद हो जाएगा। आईटी कंपनी 4,150 रुपए प्रति शेयर पर 4.09 करोड़ तक इक्विटी को वापस ले लेगी, जिसकी कुल वैल्यू 17,000 करोड़ रुपए है। इस ऐलान के बाद कंपनी ने क्या क्या बातें कही हैं, विस्तार से जान और समझ लीजिए। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि शेयर बायबैक से कंपनी को बिजनेस में कोई लाभ या कमाई नहीं होगी, बल्कि निवेश की राशि में कमी आएगी। कंपनी ने कहा कि अगर कंपनी चाहती तो इस रकम को कहीं दूसरे जगह निवेश करके मोटी कमाई कर सकती थी, लेकिन कंपनी का मानना है कि ट्रांजैक्शन, टैक्स और अन्य खर्च को लेकर शेयर बायबैक का कुल खर्च 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होगा। अब आपके फायदे की बात, यानी आपको इस शेयर बायबैक से कितना फायदा होगा ये जान लीजिए। अभी टीसीएस का शेयर 0.87% की उछाल के साथ 3500 रुपए प्रति शेयर के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि टीसीएस 4,150 रुपए पर शेयर बायबैक कर रही है। ऐसे में देखा जाए तो मौजूदा भाव से कंपनी अपने शेयरों को 19.5% ज्यादा प्रीमियम पर शेयर निवेशकों से खरीदेगी। इसका मतलब निवेशकों को हर शेयर पर 20% ज्यादा की कमाई होगी। बता दें कंपनी ने शेयर खरीदने का रिकॉर्ड डेट 25 नवंबर तय किया है। शेयर बायबैक शब्द आप इस कहानी में बार बार सुन रहे होंगे, तो चलिए शेयर बायबैक होता क्या है इसको समझ लीजिए। जैसा कि बायबैक सबसे ही स्पष्ट होता है कि वापस खरीदना, शेयर बाजार की भाषा में कहें तो इसका अर्थ ये हुआ कि शेयर को वापस खरीदना या वापस लेना। जब कोई कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो वो निवेशकों को लाभ देने के लिए शेयर बायबैक करती है, यानी शेयरों को निवेशकों से वापस खरीद लेती है। कंपनी निवेशकों से शेयर के मौजूदा प्राइस से ज्यादा रकम देकर शेयर वापस लेती है, जिस कारण निवेशकों को लाभ मिलता है। अक्सर कंपनी के प्रॉफिट में आने के बाद ही शेयर बायबैक किया जाता है। अब टीसीएस ने कितनी बार शेयर बायबैक किया है ये जान लीजिए। टीसीएस ने पहली बार अपने शेयर फरवरी 2017 में वापस खरीदे थे। उस समय टीसीएस ने मौजूदा भाव से करीब 18% प्रीमियम पर 16,000 करोड़ शेयर वापस खरीदे थे। इसके बाद अक्टूबर 2018 में 18% और अक्टूबर 2020 में 10% प्रीमियम पर 2 बायबैक किए गए थे। आखिरी बार जनवरी 2022 में टीसीएस ने 17% प्रीमियम पर 18,000 करोड़ शेयर वापस लिए थे। जाते जाते टीसीएस के शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है ये भी जान लीजिए। फिलहाल ये शेयर 0.83% की तेजी के साथ 3500 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा है। एक महीने में इसने आम निवेशकों को 4% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 5%, तो 1 साल में इसने 3% का रिटर्न दिया है। इसका 52-वीक हाई 3,679 रुपए है और 52-वीक लो 3,070.25 रुपए है। कंपनी का मार्केट कैप 12,81,015 करोड़ रुपए है। हमने आपको इस शेयर के बारे में तमाम जानकारियां दे दी हैं। अगर आपको इस शेयर में किसी भी तरह का पोजीशन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।